दूध 35 रुपए लीटर, आज 60 रुपए लीटर, आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर, आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर। राहुल गांधी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर बेरोजगारी और महंगाई पर खूब खरी खोटी सुनाई। सोशल मीडिया पर अब राहुल गांधी का एक वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है। ये वीडियो उस वक्त का है जब राहुल गांधी ने भाषण देते हुए गलती से किलोग्राम को लीटर कह दिया। उन्होंने महंगाई के आंकड़े सामने रखे जिसमें उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के वक्त आटा 22 रुपए लीटर था जबकि अब 40 रुपए लीटर है। हालांकि राहुल ने इस गलती के बाद क्या किया वो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले उनका वो वीडियो क्लिप देखिए जिसे लोग खूब शेयर कर रहे हैं और राहुल गांधी का मजाक बना रहे हैं। दूध 35 रुपए लीटर, आज 60 रुपए लीटर, आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर, आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जैसे ही कहा कि आटा पहले 22 रुपए लीटर था अब 40 रुपए लीटर है, उन्होंने अपनी गलती सुधारने की कोशिश की और उन्हें लगा कि वो गलत बोल चुके हैं तो उन्होंने तुरंत लीटर को किलोग्राम में बदल दिया और उन्होंने बोला कि केजी। अब वो वीडियो क्लिप भी आप जरूर देखिए। मेरे पास आंकड़े हैं, 2014 में एलपीजी का सिलेंडर 410 रुपए का था, आज 1050 रुपए का है, पेट्रोल 70 रुपए लीटर, आज तकरीबन 100 रुपए लीटर, डीजल 55 रुपए लीटर, आज 90 रुपए लीटर, सरसों का तेल 90 रुपए लीटर, आज 200 रुपए लीटर, दूध 35 रुपए लीटर, आज 60 रुपए लीटर, आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर केजी। तो इस वीडियो क्लिप के देखने के बाद आपको क्या लगता है कि थोड़ी सी देर में अगर कोई अपनी गलती सुधार लेता है तो क्या उस गलती को इस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या राहुल गांधी से इस तरह की गलती की उम्मीद की जा सकती है? आपकी क्या राय है इस विषय पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।